on, somebody hide! इज़राइल का सबसे बड़ा दुश्मन गाजा में हमास का बिन लादेन, नेतन्याहू करेंगे हमास का सर्वनाश। हमास का ये वो चेहरा है जिसे इज़राइल अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है, यही वो चेहरा है जिसने इज़राइल पर हमले का ब्लूप्रिंट तैयार किया, यही वो चेहरा है जिसने हमास के आतंकियों को हैवानियत के हदें पार करने की हिदायत दी। इसका नाम है याया सिनवार। गाजा पट्टी में जब इज़राइल ताबड़तोड़ हमलों को अंजाम दे रहा था और एक एक करके हमास के कमांडरों को मौत के घाट उतार रहा था, उस वक्त बहुत ही बेसब्री से अगर किसी के खात्मे का इंतजार इज़राइल की सेना को है तो वो है याया सिनवार। याया सिनवार वो दिमाग है जिसने मोहम्मद दईफ के साथ मिलकर इज़राइल पर हमले का मास्टर प्लान तैयार किया, और ये सब कुछ इतने खुफिया तरीके से किया गया कि दुनिया की सबसे बेहतरीन खुफिया एजेंसी मोसाद को भी भनक नहीं लगी। यहां तक दावा किया जा रहा है कि अपने इस प्लानिंग को अंजाम देने के लिए सिनवार और दईफ ने ईरान से फंड हासिल किया, लेकिन उन्हें भी मालूम नहीं था कि हमास किस तरीके से इज़राइल पर हमला करने वाला है। यही वजह है कि याया सिनवार को इज़राइल फिलिस्तीन का बिन लादेन कहता है। हमास का शैतान दिमाग 60 साल का याया सिनवार गाजा में हमास का हेड है। सिनवार ने इज़राइल की जेल में बिताए हैं 24 साल। 2011 में एक इज़राइली सैनिक के बदले रिहा हुआ, 7 अक्टूबर के हमले में मारे गए 1300 इज़राइलियों का कातिल, 7 अक्टूबर के हमले का मास्टरमाइंड है सिनवार। सिनवार को खान यूनिस का कसाई कहा जाता है, हमास के मिलिट्री यूनिट का चीफ है सिनवार। इज़राइल पहले ही कह चुका है कि 7 अक्टूबर का हमला इज़राइल पर 9/11 जैसा हमला है, और इस हमले को अंजाम तक पहुंचाने में जिसका हाथ है वो है याया सिनवार, और वो अल कायदा की तरह हमास का बिन लादेन है जिसे किसी भी हाल में इज़राइल ढेर करने की कोशिश में जुटा है, और इसी के लिए इज़राइल गाजा में ग्राउंड मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करने वाला है। हालांकि कुछ समय के लिए गाजा के कुछ इलाके में युद्ध विराम की घोषणा की गई है, लेकिन उत्तरी गाजा में इज़राइल 3 तरफ से हमला करने वाला है। समंदर, आसमान और जमीन से यह हमला कभी भी शुरू हो सकता है, और इज़राइल किसी भी हाल में उस शख्स को नहीं छोड़ने वाला जिसने इज़राइल पर इतने बड़े हमले की साजिश रची।